Welcome to Comedy Nights with Kapil. सिद्धू पाजी, आप सोचोगे अभी इधर हम दोनों क्या कर रहे हैं? Actually मैं ना सिद्धू पाजी, हमारी ना अभी पिक्चर आई है, ठीक है? और शाहरुख सर और काजोल मैम के बारे में ना सब लोग मतलब बात करे जा रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री, उनका ये, उनका वो। यार मतलब हमारी केमिस्ट्री क्या उर्दू है? नहीं भाई, हमारी केमिस्ट्री क्या एलजेब्रा है? नहीं भाई, भाई आज ना सबको दिखा देते कि हमारी केमिस्ट्री क्या है। So it is time. शांत शांत हो जा भाई, शांत। लोग कहते हैं ना कि हार की जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बाजीगर बन के दिखाने वाले सब लोगों को। अच्छा? घर वालों, आई नो कपिल ने आप सबको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया है, और जिस तरीके से कपिल ने आपको ट्रीट किया ना, वैसे ही एसआरके और काजोल ने हम दोनों को ट्रीट किया। तो इसलिए आज फतेह होगी, फतेह होगी। अरे दादी, जिस उम्र में आपको तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए, उस उम्र में कपिल आपको लोगों की पप्पियां करा रहा है। नहीं नहीं, वो तो मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, और रणबीर सलमान की पप्पियां तो ठीक है, मतलब रंजीत और आलोक नाथ जी की पप्पियां? दादी ग्रो अप यार। आप लोग हमें ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? बेटा बेटा, ये दोनों आग लगाकर हमें भड़का रहे हैं। भाई ये आग लगा के भड़का रहे हैं, लेकिन आप अपने मुंह से धूप फेंक के आग बुझा रही हैं। बताओ, इतनी हैंडसम बुआ को घर पड़े पड़े खराब कर दिया है। इस उम्र में तो आपकी एक ब्यूटीफुल ग्रेजुएट डॉटर होनी चाहिए थी ना। एक्सक्यूज मी, इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं क्या इंसल्ट? ये इंसल्ट ही रहा है। यू कैन टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। चलो छोड़ो यार, जो बीत गया सो बीत गया। अरे 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 राजू, ऐसे कैसे बीत गया? तूने कपिल को देखा ना फिल्म में, चार चार लड़कियां घुमाई है, और तू अभी भी कुकर के साथ सो रहा है यार। अरे पर्सनल तो होना ही पड़ेगा ना। कपिल ने क्या बोला था तेरे मुंह के बारे में? क्या? कच्चे जैसा मुंह। वो प्यार था, प्यार से बोलते हैं भाई। प्यार नहीं था, सबसे फनी पता क्या था? मुंह देखते हुए बोला कि जैसे वो बच्चे का उतरा वो डायपर नहीं होता, वैसी शक्ल। दोस्तों तो आप लोग समझ गए क्या प्लान है? हाँ 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 जी, सब समझ गए ना। हाँ हाँ भाई, और ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है। किसी के पास कोई क्वेश्चन वगैरह है? पूछो। आप कौन हो? गुत्थी, ये वरुण शर्मा है। अरे उसको पोस्टर में नहीं रखा था क्योंकि वो थोड़े जेलिस हो गए थे इसके टैलेंट से, बट बहुत अच्छा एक्टर है ये। नहीं नहीं, उनको तो मैं जानती हूँ, कपिल की पिक्चर में देखा। मैं पूछूं आप कौन है? गुत्थी, मजाक करने का वक्त नहीं, क्योंकि मैं दिखता हूँ स्वीट इनसेंट स्वामी टाइप का, लेकिन एक्चुअली वो बड़ा हरामी टाइप का। अरे वाह, मजाक करने का वक्त नहीं है, ये कैसी बात कर रहे हो? 10 से 11 मजाक करने का वक्त ही होता है। ओके ओके, हम सब एक प्लान बनाते हैं। हाँ। क्योंकि जो कपिल शर्मा ने आपके साथ किया, ये प्रोग्राम में, घर में, जो भी किया है, वही शाहरुख सर ने और काजल मैम ने हमारे साथ किया। तो मैं कहता हूँ आज हम लोग एक प्लान बनाते हैं। टोपी फेंक तू भाई, बाल नहीं बने। फेंक दे भाई, नहीं बने। आज हम लोग सब साथ में हैं। कॉमेडी नाइट विद कपिल पे हम लोग शाहरुख खान और काजोल देवगन को मिलने नहीं देंगे। हेलो मुगेम्बो। ये क्या है? ये क्या था? नहीं, एंड में ऐसे बोलते हैं प्लान के बाद, इससे लगता है कि हमारी यूनियन है। हेलो मुगेम्बो। चलो 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 चलो।
किसी और का बजा रहा है, हट ही नहीं रहा तू। तो तुझे कहा था शाहरुख खान आने वाले, तू देसी कट्टे जैसा मुंह लेके यहाँ पे क्या कर रहा है? बदतमीज साहब जी, जब भी कोई आता है मेरा ही मुंह काम आता है। अच्छा, इसको दुनिया में आने की इतनी जल्दी थी ना, जो मुंह मिला लेके आ गया, तू थोड़ा वेट करके आता। जब देखो मेरा मुंह, मेरा मुंह, मेरा मुंह। आपको पता भी है क्या क्या साजिशें हो रही हैं आपके खिलाफ? कौन सी साजिशें? ऐसे मुंह से निकल गया। जाए शाहरुख खान आ रहे हैं, अंदर जाके तैयारी कर, चल भाग यहां से। कौन सी तैयारी? मैंने काजोल बनना है अंदर जाके। दफा जाए यहां से। ठीक है, शाहरुख खान आ रहा है, ये कैसे लोग है? ठीक है, गंदे पजामे पहनते क्यों, जो खुजली करते बाद में ऐसे? आपका ही पहना हुआ है। शाहरुख खान आ रहे हैं अंदर, जा कुछ बना उनके लिए। बना तो हमने दिया है, बस अब तैयार रहो। ठीक है बाजी। ओके फिर दफा जाओ यार। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। तो पाजी, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले 25 सालों से बॉक्स ऑफिस पे जो है अपनी धाक जमा के रखी है, राज करते हैं, द वन एंड ओनली बादशाह खान, मिस्टर शाहरुख। बड़े लोग इतना सा भी नहीं चल के आते, उसके लिए भी पता नहीं कौन सी चीज रखी है भाई, कमाल है। हमें ऐसे खिलौने कभी नसीब ही नहीं हुए, साइकिल का चक्का लेके। क्या यार शाहरुख भाई, आपकी फिल्में तो हाउसफुल जाती हैं, आप जब आते हैं तो हमारा शो भी हाउसफुल है, देखो एक्स्ट्रा सीटें लगी हुई हैं। दास दादा। या या अच्छा, मैं अभी देखा, सॉरी, अब मुंह बंद रखते हैं। तू कैसे खोल नहीं रहा? यार प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो ही जाती बाजी। तेरा ऐसा होना चाहिए, सूरज हुआ मध्यम। तेरा कैसा? सूरज हुआ मध्यम। मक्खी आ जाएगी, लड़की नहीं आएगी दोस्त, यही प्रॉब्लम है। पर भाई एक्चुअली पता क्या है, मुझे यहां तक लगता है आपने रोमांस को इस बखूबी से आपने उसको प्रेजेंट किया है ना। मैं अपनी फिल्म में शूट कर रहा था ना, तो चलते चलते ना मेरा हाथ ऐसे हो गया, तो मेरे को याद है मैंने ऐसे कर लिए। हमारी अपनी हंसी निकल जाती है, हमसे होता ही नहीं है, तो आपने इतना खूबसूरत तरीके से पेश कर दिया ना, अभी किससे होगा ही नहीं। अब ये तो कोई कर ही नहीं सकता ना भाई। नहीं, ये तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है ये भाई। किसी ने बॉलीवुड को इतना दिया है, किसी ने इतना दिया है, शाहरुख भाई है जिन्होंने इतना दिया है। वो कहते हैं उठना जानता हो जो गिर के मैदान में, उसी का कल और उसी का आज होता है। हुकूमत वही करता है जिसने दिलों को जीता हो, वरना तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता। अरे क्या बात है शाहरुख भाई, दिलवाले ने सबका दिल जीत लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं जो आज खास शाहरुख भाई को देखने आए यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच। कपिल को कोई देखने नहीं आया आज? थोड़े लोग तो हाथ नीचे कर लो। मैं एक बात पूछने जाता हूँ सिद्धू बाजी। हाँ जी। बाजीगर से लेके आज दिलवाले तक 20 साल से शाहरुख भाई और काजोल मैम की जोड़ी जो है, इनका चार्म जो है, इनका प्यार जो है, केमिस्ट्री बनी हुई है भाई, 20 साल तक तो अपनी बीवी तक रोमांस खत्म हो जाता, मतलब आपका, मतलब मियां बीवी का भी खत्म हो जाता 20 साल में। आपका अब तक चल रहा है और माशाल्लाह आगे भी चलता रहे, पर इसके पीछे राज क्या है शाहरुख भाई? ये एक्चुअली जो 20 साल का चक्कर है ना, ये जी अपनी पत्नी के साथ नहीं चलता, दूसरों की पत्नी के साथ चलता रहता है। मजाक करो भाई।
सिद्धू पाजी को भी मालूम है, उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने सिखाया मुझे। बिल्कुल सही बोल रहा है। सिद्धू पाजी भी काफी, सिद्धू पाजी शेर काफी बोलते हैं। हाँ, हीरो ना बहुत तेरी ऐसी तेजी हुए। ऐसे ऐसे मामलों में मैं शेर बोलता हूँ, और जब दीपिका आती है तो तू ठोकता है। शाबाश। पाजी ठीक है, दीपिका के लिए थोड़ी ठोकम ठाक ठीक है, दीपिका के लिए सब अलाउड है। नहीं पैसे पाजी, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे जब कोई भी हीरोइन आती है आप इतने जालिम जालिम शेर आप अर्ज करते हैं, तो मेरे लिए तो कभी नहीं आपने कहा। मेरे लिए मुर्गे वाला शेर क्या है, मुर्गे के सर पे भी ताज होता है, उनके लिए इतने अच्छे अच्छे भाई। कभी आपने ऐसा मतलब जैसे आप रोमांस के किंग जाने माने जाते हैं, कभी आपने गौरी भाभी के लिए कभी ऐसा कोई जाके डायलॉग बोला उनके लिए? नहीं नहीं यार, ये सब नहीं होता, ये ऐसे फिल्मों में होता है, घर वाले के लिए कुछ भी नहीं होता ये। जैसे तुमने बात सिद्धू पाजी, थोड़ा जाके भाभी जी को बोलते हैं तेरी आंखों की नमकीन, ऐसा नहीं होता, ये सब बिल्कुल नहीं होता। तो आप मतलब भाभी के लिए गलत लगेगा अम्मी जी जाके घर में बोले रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हो। फिल्मों के डायलॉग फिल्मों में ही रहने लगे। अच्छा पाजी, आपको पता है अभी शाहरुख भाई शूट कर रहे थे बुल्गारिया में, वहां पे ना वहां की लड़कियां हमारे हमें कोई इधर से नहीं आती, चांदी वाली इधर उधर से ही, मतलब बुल्गारिया में जाते हैं वहां फॉरेनर फैंस आ रही इनकी, आई लव शाहरुख खान टी शर्ट पहन के आई है। हाँ। भाई एक लड़की ने आपसे, मैं पढ़ा हमने कि आपसे हाथ मिला और वो बेहोश हो गई, ऐसी कौन सी नस दबाते हैं आप? जो लड़कियां बेहोश हो जाती है यार। ना, आज शो में ना सारे के सारे मेरे सीक्रेट सीख रहे, तू अलग अलग लड़कियों की अलग अलग नसें होती है। भाई आपने रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म की, रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म की, विराट कोहली की गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म की, जब आप ऐसे रेपुटेशन खराब सी कर रहा तू ऐसे नहीं, नहीं, नहीं मतलब आप जब उनके साथ ऐसे कोई रोमांटिक सीन करते हैं तो आपको ये याद रहता है कि ये किसी की गर्लफ्रेंड है या आप अपने करेक्टर के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी मान के चलते हैं? कुछ लेना चाहिए अगर दिल में आए तो। मेरा क्या, जब उनको याद नहीं रहता तो मैं याद क्यों करूं? भाई हीरो की जब भी एंट्री होती है तो ऐसी बड़ी धासु एंट्री होती है। हीरो की एंट्री हमेशा धासु, बिल्कुल। अच्छा आपने बासमस्तान सर की फिल्म करी, आपकी एंट्री भी धासु करी, मैंने भी उनकी फिल्म करी, मेरी एंट्री ऐसी थी ब्रीफकेस लेके ऐसे मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरी एंट्री क्यों नहीं उन्होंने ऐसी करवाई। कपिल तुम्हारे सवाल में जवाब, तुमने पूछा हीरो की एंट्री कैसी होती, जब तुम हीरो बनेगे तुम्हें भी एंट्री मिलेगी। अभी नहीं, अभी तुम एक्टर हो, अभी तुम हीरो नहीं हो, स्टार नहीं हो, एक्टर हो तुम यार, दिल से एक्टर हो। मैं देखा तुम्हारी पिक्चर, बट किस किस को प्यार करो सुपर पिक्चर है, बहुत एंट्री जैसी भी एग्जिट बहुत अच्छी थी। चार बेइज्जतियां करके ना एक ऐसी ऐसी तारीफ करते हैं। अरे क्या क्या बात कर रहा, मैं 25 साल हो गए काम करते हुए, आज तक ऐसा चांस नहीं मिला। मैं क्या कभी किसी और की बीवी को पटा रहा होता हूँ, कभी अपने मालिक की सेक्रेटरी को पटा रहा होता हूँ, मेहनत करके 3.5 घंटे के अंदर लड़की को पटाता हूँ, उसको शुरू में 3-3 मिल चुकी है। तो तेरी तो किस्मत अलग है, तेरी चमक है एकदम पहली पिक्चर के अंदर, और तू तो मांग भी नहीं रहा था, खुद ही आ रही थी, गले पड़ रही थी तेरे पिक्चर। तो शाहरुख भाई अगर एक के साथ भी रोमांस करते तो होता कौन है? काजोल, दीपिका पादुकोण। मेरे टाइम पे शाहरुख भाई, जब हम बॉम्बे में आए थे ना तो 5 दिन लग गए हमें बच्चन साहब के घर पे खड़े होने के लिए, किसी ने खड़े नहीं होने दिया, किसी के घर ढूंढ रहे हैं, मतलब हम आए थे 5 साल में एक छोटा सा रोल भी नहीं मिला कभी किसी फिल्म में। आप एक दिन में 5 फिल्में आपने साइन कर ली थी भाई, हाउ? शक्ल शक्ल की बात होती है दोस्त। मतलब फिर भी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये क्वेश्चन काट दीजिएगा। ये बड़े चला के भाई, जो मैं इनको काटने के लिए बोलता हूँ वो जरूर रखते हैं, वही रखते हैं। तो इनको रखना जरूर। शाहरुख भाई कितनी मेहनत करते हैं इनको, और शिद्दत के साथ करते हैं कि इनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। एक फिल्म फ्लोर पे है, दूसरी का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तीसरी की स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, भाई आपको इतनी सी फुर्सत नहीं होती? बाथरूम में आप 2-2 घंटे कैसे बिता देते हैं? मैं जो है ना, ऐसा गलत मत समझेगा इसको, लेकिन मेरी क्रिएटिविटी वहीं पे है, 2 घंटा बैठ के वहीं सब कुछ मैं सोचता हूँ, सारी कहानियाँ। अच्छा। सारे किस्से, और मैं अपनी सारे ऑफिस को भी वहीं रखता हूँ, 4-5 लोगों को अंदर बाथरूम में, हम साथ में ही नहाते हैं सबके सब, रेड चिलीज का मेन है।
अच्छी बात है, अच्छे अच्छे आइडिया रख लिए, बाकी फ्लश कर दिए। चलो बाकी फ्लश कर दिए। अरे वरुण कैसा? ठीक हूँ। इधर किधर? मैं वैसे ही। How are you? Good to see you. किधर? हाँ वैसे ही आ गया। वैसे चला जा, अभी तेरी एंट्री लेट है। आऊंगा ना? आ पक्का है? पक्का ना? वरुण के लिए जोरदार ताली बजा। चार भाई आज आप आए हो तो आपसे मैं मुझे काफी सारी बातें जाननी है। जैसे हमारी बॉलीवुड की फिल्में होती हैं, पाजी हर सिचुएशन पे गाना होता है। बच्चा पैदा होता है, मेरे घर आई एक नन्नी परी, बच्चे ने पहली बार दूध पिया उस पे गाना, तूने मेरा दूध पिया। कोई भी बच्चा पहली बार रोया उस पे गाना है, हंसते हंसते रोना सीखो, कोई भी गाना, मरण तक गाने हैं। हॉलीवुड में ऐसा लिपसिंग क्यों नहीं होता भाई? मुझे ऐसा लगता है वो सूट भी होना चाहिए ना, मतलब हीरो पे सूट। अभी सिल्वेस्टर स्टोलन गाना गा रहा हूँ, तू सिल्वेस्टर स्टोलन को तो आप लोग जानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। डिंपल डिंपल होने पड़ते हैं ऐसा तो नहीं, कोई भी गाना गा लेता है। सही बात है, सिल्वेस्टर स्टोलन तो अलग की बात है। मैं सोच रहा हूँ टॉम क्रूज भी अगर हो कैसा लगेगा अगर एंजेलिना जोली के साथ गाना गा रहे हो। हाँ। कि चढ़ गया ऊपर रे अठरिया पे लौट कबूतर रे, अच्छा नहीं लगेगा। टॉम क्रूज में तो फिर भी ठीक लगेगा। तो एंजेलिना जोली की सोच वो साथ में कर रही है, गुटुर 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 गुटुर। अच्छा अपनी फिल्मों में एक और चीज होती पाजी, आप कभी देखना फाइट सीक्वेंस होता है शाहरुख भाई, जब हीरो को किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, विलन का पीछा कर रहा है, उसे हमेशा भागते भागते ना एक बाइक खड़ी मिलती है जिसका मालिक बगल में कहीं टॉयलेट कर रहा होता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, हमेशा उसी को क्यों मिलती है? अरे हॉलीवुड वाले भी करते हैं पीछा पीछा, वो हेलीकॉप्टर जहाज उड़ा लेते हैं। हाँ। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उड़ाते हैं जैसे इनके बाप दादा पायलट रहे हो। हाँ। मुझे ये नहीं समझ में आती भाई, जिनकी जितनी टेक्नोलॉजी हॉलीवुड में यूज की जाती है, कि जैसे एक फिल्म आई थी फॉर एग्जाम्पल स्पीड, उसमें पूरी फिल्म उन्होंने बस को रोकने में निकाल दी, वो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही है अभी तक? हमारे यहाँ पे क्या ना, ऑडियंस का हीरो पे भरोसा है, विश्वास है जी। हाँ, जैसे मैं बताऊँ, मर्द में दारा सिंह जी थे जी जी, तो प्लेन आगे निकल के जा रहा था, दारा सिंह जी ने ऐसे रस्सी घुमाई, लासो बनाया, मारा ऐसा, पकड़ा उसको खंबे पे बांधा, जय माता दी। प्लेन वैसे का वैसे रुक गया, ऐसा हीरोइन का दुपट्टा पकड़ के रोक लेता उसको करके, ऐसा प्लेन वहां पे रुक गया ऐसा करके। क्योंकि वो विश्वास है कि दारा सिंह जी ने फेंका लासो हो जाएगा, और हमारा सब विश्वास पे ही चलता है। जैसे राजकुमार जी थे जी जी, वो फिल्मों में कभी रोते नहीं थे, ही नेवर वांटेड टू क्राई, होगा मैं रोऊंगा नहीं, मैं बहुत मर्द हूं, मुझे मेरी मेरी शान के खिलाफ है, मैं रोऊंगा नहीं। हाँ। तो वो सिर्फ ये बोलते थे कि जानी बहुत दुख हुआ, बस इतना बोलते थे, ऑडियंस कहती थी इसने अपनी आंख में उंगलियां मार ली, दुख हुआ होगा। विश्वास पे होता है यहां पे सब। 200 एपिसोड हो गए जी, किसी एक्टर ने किसी हीरो ने आके यहां तेरे साथ ऐसे स्टैंड अप किया है? बता पाजी, है किसी ने? ये शाहरुख भाई आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। That's why he's King Khan, man. मैं बिल्कुल नहीं कर सकता अगर मुझे कपिल पाजी ट्रेन ना करे तो। नहीं पाजी, मैं ट्रेन लेकर आऊँ पूरी की पूरी। ये आपका प्यार है, आप ऐसे बोलते हो। अच्छा पाजी, आपको पता है शाहरुख भाई रोमांटिक फिल्में तो करते ही हैं, इनकी जो अपनी पर्सनल लव स्टोरी है वो भी बड़े कमाल की है, लेकिन भाई हमने सुना है कि आपके मम्मी पापा उनकी रोमांटिक कहानी जो थी लव स्टोरी वो भी बड़ी कमाल की थी। हाँ, बहुत ही अजीब थी, और मैं 2 मिनट लेके बता भी देता हूँ कहानी। इंडिया गेट पे मेरे फादर, उनके कजन ब्रदर, वो पठान लोग थे, ऐसे सैर के लिए भागने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी, और उस गाड़ी के अंदर मेरी जो मदर थी, उनके फादर मतलब मेरे ग्रैंड फादर, मेरी मदर और उनकी सिस्टर थी, और सब लहूलुहान थे, ड्राइवर भाग गया था, तो अभी अभी पोस्टिंग हुई थी उनकी, तो मेरे फादर ने और शानवा साहब ने वो गाड़ी को सीधा किया और अस्पताल ले गए, वहां पे खून देना पड़ा, तो खून जो था मेरी मम्मी का और मेरे डैडी का मैच हुआ। अच्छा। तो उन्होंने खून दिया उनको, पूरी फैमिली को, तो वहां पे बैंगलोर में हमारी फैमिली रहती थी मम्मी की, उनकी मम्मी ने जब ये सुना तो बेहोश हो गई, और अच्छा। उनको भी खून की जरूरत थी, तो मेरे पापा जो थे वो एकदम दानी हो गए खून के बारे में, वो बैंगलोर भी चले गए, उनको भी खून देकर आ गए, उनका भी खून मैच हो गया, तो ऐसा उन्होंने पूरी फैमिली के अंदर अपना खून भर दिया। अच्छा। और फिर हमारी मम्मी की शादी होने वाली थी एक्चुअली, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अब्बास अली बेग के साथ एंगेज थे शायद, वो बात चल रही थी हैदराबाद में, तो हमारे फादर को जब वो ऐसा हो गया, फिर आना जाना हो गया, घर में आ गए, सारी फैमिली को लगा अब तो खून का वो है, मतलब कर्ज हो गया उनके ऊपर, सबके ऊपर, तो घर जाते थे तो उनकी जो छोटी बहन थी जो अभी लंदन में है, तो हमारे ग्रैंडफादर ने कहा कि आप अगर चाहें
आप इतने अच्छे हैं तो आप इंटरेस्टेड होने का, मेरे को शादी करनी है आपकी बेटी से. तो उन्होंने छोटी बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी वो अनाउंस की. अच्छा. तो मेरे फादर ने कहा नहीं, शादी तो इसी से करनी है जिसको कुंदी है. तो फिर वो एंगेजमेंट तोड़वा के उन्हें. क्या बात है. और वही उनका खून आज तक चलता आ रहा है, वो बस निकला हुआ है पूरा का. लव एट फर्स्ट साइट है. कमाल है भाई. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई. अरे शाहरुख भाई को आपने हमेशा हर फिल्म में अलग अलग अवतार में देखा है, लेकिन शाहरुख भाई हमने आपको कभी एक वकील नहीं बने, आप कभी डॉक्टर नहीं बने. तो हम ऐसे ही थोड़े एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि अगर कोई देखना चाहेगा शाहरुख भाई को डॉक्टर के रोल में तो मेरा ऐसा बार बार मैं सब कहता हूँ, मेरे पे ना छोकरी सूट करती है, नौकरी सूट नहीं करती है. थोड़ा मैं अर्बन टाइप हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसा कूल सा बिजनेस मैं ऐसे ही भाई आपके चाहने वालों के लिए. ठीक है. नहीं नहीं मैं एक्टर हूँ, मैं कोई भी तरह से एक्टर बनना चाहता हूँ. कैरेक्टर जो बोलेगा करूँगा. एक डॉक्टर का जरा शुक्रिया. वाह, स्टेथोस्कोप भी. पूरा बजट है भाई. अच्छा है. बड़ा अजीब अजीब लग रहा है मुझको यार. मैंने क्या नहीं कभी डॉक्टर करो. आप अच्छे लग रहे हैं, बहुत हैंडसम डॉक्टर. कोई मरीज है जो डॉक्टर शाहरुख खान से अपना इलाज कराना चाहता हो? भाई इतने मरीज नहीं, हॉस्पिटल नहीं है ये. कोई एक जी या प्लीज. हाय कपिल सर, शाहरुख खान सर एंड सुदीपा जी. वो हो कहाँ, बुल्गारिया से आई? नो, आई एम सिमरन, आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड से? यस. क्या नाम आपने बताया? सिमरन. सिमरन भाई, ये आपका केस है. तो शाहरुख सर, व्हेनेवर आई वॉच योर मूवीज मेरे दिल में कुछ कुछ होता है. सिमरन आप यहाँ यहाँ आ जाइए. Hi Simran, how are you? Good to meet you. तो डॉक्टर साहब इनकी प्रॉब्लम है कि ये आपकी इनकी फिल्में देखती हैं. हाँ. तो आपको कुछ कुछ होता है. Yes. तो मेरा प्रॉब्लम है, इसलिए डॉक्टर नहीं बनता हूँ. इमेजिन करो मैं हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हूँ और वो चाहेंगे मैं दवाइयाँ कराऊं, एक्सरे कराऊं, मैं उनका एमआरआई कराऊं, जो भी आया बोले कि मुझे हक दे दो, हम ठीक हो गए. तो हॉस्पिटल का कितना नुकसान होगा, इसलिए मैं डॉक्टर का काम नहीं करता. हॉस्पिटल का हो नुकसान, आपका तो फायदा है. तो मैं चेकिंग रूम में ले जाऊं कि यही करूंगा मैं? वैसे मैं हमारे भी पूर्वज जो थे शाही हकीम थे. मतलब न्यूजीलैंड वालों का हम इलाज बड़े अच्छी तरीके से करते हैं. या वी हैव सम इंग्लिश टैबलेट्स, सम इंजेक्शन. टॉक टू इन इंग्लिश ना, शी विल अंडरस्टैंड. यू नो वी हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिंस व्हिच वी यूज फॉर पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. या वी हैव अ इंग्लिश स्पीकिंग इंजेक्शन. व्हाटएवर, यू शुड यूज इट ऑन योरसेल्फ. व्हाट, यू शुड यूज इट ऑन योरसेल्फ. आज दिन ही खराब चल रहा है तेरा. चला गई. Your parents kept your name Simran after the film or it was before? After the film. Yeah. You were born after the film. Yep. Oh, wonderful. And they told you that the name is Simran because of DDLJ. It wasn't because of that. I think my mom just liked the name. Okay. Quite blasé about this whole thing. Don't think every Simran is because of DDLJ. There are some Simrans individualistic also. Yeah, I understand that. What you just said, that was mind-blowing. So I'm going to make Kapil do the dialogue for you because you like him so much. Haath pakad ke ghutno pe jao. Ghutno pe? Ghutno pe. Ghutno pe. Achha. Haan. Aise kuch chalo. Kaho, pyar karti ho mujhse Simran? Pyar karti ho mujhse Simran? Bharosa hai mujh pe? Bharosa hai mujh pe? Nahi. Jawab. सेम गलती कर रहा है, सेम गलती कर रहा है. मुंह ज्यादा खोल रहा है तू. मुंह कर रहा कम खोल के. तेरे पर भरोसा करूं? भरोसा है मुझ पे? हां भरोसा है मुझ पे. मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं मुझे लगता है दाई वाली का आईलाइनर थोड़ा डार्क है. भाई एक मेरे को चीज नहीं समझ आई. मुझे भी उठा दे प्लीज. घुटना नीचे लगाना जरूरी क्यों भाई? बिल्कुल नहीं है यार, ये बहुत तकलीफ होती है इसके साथ. ये वाला मूव जो मैं कैंसिल करने वाला हूँ अगली पिक्चर में से. आपने खुद ही शुरू किया है. नहीं, अब मैं मिस कर, बिल्कुल इसको हटा रहा हूँ. मैं सीधे खड़े होकर प्यार करूंगा. प्यार करती हूँ मुझसे? Yes. भरोसा है मुझ पे? Yes. फिर तो बस जोली उठने की. अब तो बनता है ना, उन्होंने बोला था क्या टाइम के हिसाब से एंट्री. अभी किन्होंने बोला था?
बात हुई थी ना हमारी पहले, मतलब कब करूंगा यार एंट्री यार, मतलब बैठ बैठ के बोर हो गया। क्या अच्छी बातें नहीं कर रहे सुन सुन के, तुझे बोर हो रहा है हमारी? नहीं नहीं सर, मतलब हमारे जोक अच्छे नहीं है। नहीं नहीं बहुत अच्छे सर, मतलब क्या प्रॉब्लम है तेरी पे? सर कुछ जा बाहर जा, बुलाएंगे तेरे को, चल। आई लाइक योर हेयर, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैगी इज वंस अगेन इन आवर लाइफ। शुक्रिया सिमरन, थैंक यू। थैंक यू सिमरन, ब्लेस यू। हाउ यू फीलिंग? यू आर मीटिंग शाहरुख खान, यू फीलिंग बेटर? यस। लो आज शाहरुख भाई बहुत प्यारे इंसान है हमारे, एक बार कहने पे डॉक्टर बन गए। और किसी आप रूप में शाहरुख भाई को देखना चाहते हैं? शर्मा जी। अच्छा हाथ ऐसे खड़ा कीजिए, शकीरा की एंट्री हो रही है। तो क्या कर रही है? मैं शाहरुख सर को लॉयर के रूप में देखना चाहती हूँ। ओके। बड़ी फरमाइशें करती है अभी। कोई एटलीस्ट पूरी तो करता है। थैंक यू सर। मैं चाहती हूँ आप मेरी तरफ से बिट्टू शर्मा के खिलाफ केस लड़ें। ठीक है, बिल्कुल लड़ूंगा, लेकिन केस क्या है? ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, मतलब मुझसे प्यार नहीं करते। मैं समझा, इनकी और भी पत्नी है। बिट्टू शर्मा, तुम पर केस ये दर्ज हुआ है कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हो। क्यों प्यार नहीं करते हो अपनी पत्नी से? भाई ये देखो, ये आपकी होती है, आप करते। मैं इसको झांसा देके फंसा रहा हूं, मैं इसको फंसा रहा हूं। मैं मेरा निकलता नहीं रोमांस। क्यों क्यों नहीं निकलता तुम्हारा रोमांस? अब देखो दीपिका को देखते हो तो ऐसे हाथ फैलते हैं, इसको देखो होठ इतने फैले हुए हैं, पता क्या। देखिए शर्मा जी, आप मेरे होठों को बीच में ना लाए तो बेटर होगा। मैं होठ कहां बीच में लाना, तेरे होठों के बीच में तो दांत ही नहीं पूरे आ रहे। मैं कहां तो प्लीज साहब, आप कुछ। आई एम सॉरी, मैं एंजॉय करने लग गया था इस बात को। हम में से किसी भी हस्बैंड की हिम्मत नहीं होती अपनी बीवी से ऐसा बात करे, तो मैं इसलिए एंजॉय करने लग गया था, बड़ा खुश हो गया। ऐसे ना लविंग मछली लग रही थी। आई लाइक किसी चीनी बच्चे के गुदगुदी करता मैं। बट तुम्हारी सजा ये है, मैं तुम्हारे को सजा दे रहा हूं, तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदगी भर अपना जीवन इसी के साथ व्यतीत करोगे, इसी के साथ रहोगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी सजा। जाओ अभी, ऐसे क्या कर रही है? बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये गाउन दे भाई इनको, गाउन वापस पता नहीं कहाँ से उठा के लाए। वो पापा से लिया। पापा कौन सा खरीद के लाए होंगे, वो भी लेके जाओ, डॉक्टर वाला भी लेके जाओ। अच्छा हाँ, और भी कोई काम करवाना है तो करवा लो। भैया को वो वाला जैकेट दो। चलो भैया, तुम्हारे भैया होंगे, मेरी क्यों है? अब प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, शाहरुख भाई के लिए जोरदार ताली होने जा। तो शाहरुख भाई यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। अब मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा जिनके आने से आपके सामने हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत रोमांटिक जोड़ी जो है वो आपकी आंखों के सामने होगी। नाम लेने की मुझे लगता है शायद मुझे जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे।
so much, Kapil, for having us here, yaar. Thank you. अरे कपिल सर, आपने हमें most romantic जोड़ी बोला. Thank you so much. यार मैं actually मैंने काजल मैम की entry introduce करी थी. But ठीक है ना, बट हम लोग आ गए, आपने बोला तो हम लोग आ गए ना. अरे यार उनसे गलती हो गई, तुम लोगों को तो सच्चाई मालूम है, तुम कैसे घुस के आ गए उसके अंदर. एक्चुअली मुझे इसने बोला कि हमारी एंट्री है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था. नहीं भैया, ये लंबी लड़की ने मुझे फोर्स किया था ऐसे करने. भैया ये लंबी लड़की ने फोर्स किया, मींस व्हाट? तूने मुझे बोला था कि अभी हमारी एंट्री है. अरे डोंट नीड टू वरी बेबी, आई एम विद यू, इट्स ओके. तो एक बार जोरदार तालियों से वरुण का और कृति का स्वागत करिए. सही है, ले जाओ दिल यार, खुला पड़ा ओपन हार्ट सर्जरी की तरह. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए. कृति के पापा भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां. कृति आप कितने भाई बहन हो वैसे? एक छोटी बहन है मेरी. छोटी बहन है और आप बड़ी हैं जी, ऑब्वियसली सबसे बड़ी हैं. आपकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही मतलब लोग पसंद करते हैं इनको, और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए. और कृति आपको भी बहुत बहुत बधाई. उनके मुंह पे कैमरा लग गया, वो बहुत कॉन्शियस है. नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई, बड़े भाई जैसे पापा रखे हुए हैं आपने. नाम पता क्या है? राहुल. नाम तो सुना होगा. पापा का नाम राहुल है? ये होते हैं, ये होते हैं स्टार बनने के तरीके. इसलिए कई बार सेट पे मुझे भी पापा पापा बोलते हैं. नहीं अच्छा, जिनके पापा का नाम राहुल होगा लड़की तो सुपरस्टार होगी. हमारे देख लो पापा खिराती लाल, धूनी चंद, ये तो नाम निकल रहे हैं. शाहरुख भाई ने तो बहुत लंबी लंबी लड़कियों के साथ रोमांस किया है, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा. तो आपने शाहरुख भाई से कोई टिप्स नहीं लिए? मेरा आंसर सिंपल है यार, जब लंबी हीरोइंस के साथ काम करो तो खड़े होके मत करो, लेट के करो सीन सारे के साथ. तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, लेट लेट के करो, हाइट का डिफरेंस नहीं मारो. ये पॉइंट अच्छा है. ये आपने रोहित सर को क्यों नहीं बताया? तू मेरे ऑफिस से थोड़ी ना थी. उसके लिए मेरे साथ था, लेट लेट, सॉरी डैडी. कभी यार एक छोटी सी बात है यार, तुमने हमारी फिल्म देखी दिलवाले, तुम्हें उसके बारे में क्या अच्छा लगा? मुझे भाई सबसे पहले तो आपको और काजल मैम को इतने सालों बाद साथ में देखा है, और फिर तो मेरा सवाल यही था कि तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया, फिर रोमांटिक जोड़ी बुलाई, इन दोनों को बुला लिया, मैं ऐसे बीच में ऐसे लगा रिश्ता पक्का करने को आया. थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ मैं, डैडी वैडी भी आप यहीं पर है, डैडी भी यहीं पर है, सवाल तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझको. एक सवाल है तुमसे, तुम्हारा शो है, काजोल कहाँ है? हाँ कहाँ है काजल मैम? मुझे बताओ पहले जी, मैं कितनी देर से आने की कोशिश कर रही हूँ, कोई मुझे आने नहीं दे रहा है यहाँ पे. अरे हम कब से आपकी वेट कर रहे हैं, कहाँ? अरे मेकअप रूम बंद था, उसके ऊपर किसी ने मेरे कपड़े जला दिए, और मुझे पता है किसने किया ये सब. किसने किया? किसने? ये हेलो, एक्सक्यूज मी मिस्टर वरुण धवन, इसने किया है ये, मुझे आने नहीं, ये चाहता था कि मैं नहीं आऊं इस पे शो पे, और आपके रिश्तेदारों ने किया. हेलो, किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपके नौकर को मैंने दो बिस्किट खिला के सब कुछ बक दिया उसने मेरे ऊपर. ये मैंने नौकर रखा कि पमेरियन, दो बिस्कुट में बांट दिया. चलिए एनीवेज, एक बार सबसे रोमांटिक जोड़ी के लिए जोरदार तालियां. काजल मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है. Thank you. आप बहुत प्यारी लग रही हैं. मुझे लग ही नहीं था 2015 में हम लोग, ऐसा लग रहा है 1995 में ही है. मतलब वैसी की वैसी हैं आप. प्लीज आप प्लीज विराजमान हो जाइए प्लीज. थैंक यू.
कैसी हैं मैम आप? जैसे 95 में थी वैसे ही है. वैसे ही है. वैसे ही है. वरुण तुम्हारी चली नहीं आज. तुमने बड़ी कोशिश की दोनों को जुदा करने की. देखो तो देख लूंगी मैं. लेकिन एक्चुअली मैं इनका फेवरेट हूं. हैं? मैं इनका फेवरेट हूं. पूछ लो. सच्ची में आपका फेवरेट है? सेट पे तो मैं फेवरेट ही हूं ना मैम. सेट पे चलो ठीक मान लो. सेट पे तो किचन में तो हूं ही ना. मतलब घर के बाहर जो फैन आते हैं उनमें तो मैं हूं ही. तो एक्टर से ऐसी बात पूछो तो एक्सपेक्ट करता है कि वो हाँ ही बोलेगा कि मैं आपका फेवरेट. हाँ, वो इतना देर लगाया काजल ने कि हूँ. मैं सेट पे तो हूँ ना ऐसे. मैं घर में तो बाहर जो फैन हम दोनों की बहुत बनती थी. बनती है. जेन्युइनली अगर मुझे कुछ कह, आई हैव टू से दिस दैट शी इज वन ऑफ द कूलेस्ट एक्ट्रेसेस आई वर्क विद. मतलब जब भी मैं सीन करता था उनके साथ तो नरगिस से बेटर है. हाँ नरगिस से. नरगिस नरगिस से बेहतर है. श्रद्धा श्रद्धा से भी बेहतर है. श्रद्धा से आलिया. आलिया आलिया अभी अभी ऐसा मत करो. गलत है. हुमा 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 हुमा. मेरी फेवरेट है. शी इज माय फेवरेट. एंड बिकॉज उन्होंने कभी ऐसा मतलब हम लोग को महसूस नहीं करने दिया कि हमारी सीनियर है. शी वुड सी माँ जैसी है. क्या बोलना क्या चाह रहा है? मैं बोल रहा हूँ बहुत कूल है. बहुत ज्यादा कूल है. शी इज वेरी वेरी कूल. कूलर देन एनी ऑफ द एक्ट्रेसेस आई वर्क विद. And I wish I can. So are you saying she's not hot like Alia? No. Is that what you're saying? Is that what you're saying? She's not hot. She's very hot. She's very hot. Are you saying my Simran is not hot? No, Simran is super hot. Simran हमेशा थी, हमेशा रहेगी सबसे hot actress India की. बाजीगर से लेके आप दिलवाले दुनिया ले जाएंगे. अब दिलवाले में आप एक दूसरे के साथ रोमांस करते आ रहे हैं. आपको कोई आइडिया है जब ये आपको गुस्से से कुछ बोलती हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? कितना मुश्किल होता है यार जिस साथ सिर्फ रोमांस किया हो उसको ऐसी बात बोलना. नहीं मैं एक्चुअली ना काजल का गुस्सा प्यार का डिफरेंस ही नहीं मालूम पड़ता. एक ही पिच पे होता है. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं. आई हेट यू. सेम उसका सेम वॉल्यूम होता है. कोई फर्क नहीं पड़ता. बस लव्स बदल दो वॉल्यूम वही रहता है तो फर्क नहीं पड़ता. Passion is passion, emotion emotion होता है ना. बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कपिल अब तो सब आ गया. अब तो बनता है कपिल. अब तो बन गया है. मुझे ये बता ये भूले बिसरे गिर के वापस क्यों आता रहता है? अब अच्छा खड़े रहे तुम. क्या हो गया भाई तेरे को? भाई हमने स्टार्ट कुछ और किया था. तू कहाँ पे जा रहा है? अब मैं बदल गया ना बड़े लोगों के साथ. बदल गया बदल गया. फेम के साथ हमें उछल कूद करना पड़ता है. आई हैव टू बी आई एम एस आर के एंड काजोल. सिद्धू यार ये बहुत क्यूट है यार. व्हाट्स योर गुड नेम? अरे ये अरे ये तो वरुण है. अरे ये तो मेरा भाई. भूलो मत जितना भी रोमांस हुआ ना मेरी वजह से ही हुआ है लाइफ में. ये तो बिल्कुल सही है. मेरी फिल्म में जितना इन्होंने मुझे बचाया मेरी बीवियों से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ. रुक मैं आता हूँ बाहर बैठ. तो नहीं सिद्धू सिद्धू ऐसा माना जाता है कि शाहरुख और काजोल जब भी कोई फिल्म साथ में करते हैं दोनों में से किसी को भी चोट लगती है ना तो फिल्म हिट होती होती है. और आज तक सारी फिल्में हिट हुई हैं. हिट नहीं बल्कि ब्लॉकबस्टर हुई हैं. तो भाई इस फिल्म में किसको चोट लगी है? काजल बता रही थी तुम्हारा शो भी सुपर हिट होने वाला है. यहाँ पे आते थे भी गिर गई. यहाँ पे भी गिरी है. हाँ आते आते बैक स्टेज पे बेचारी गिरी. जब काजल पहली बार हमारे शो में आई तब भी आपको फ्रैक्चर हुआ था. हाँ फिर इतना बड़ा हिट हो गया आपका शो. तो अभी दिलवाले के टाइम पे किसी को नहीं लगी चोट? तीन बार ये गिरी इस पिक्चर के अंदर और एक बार तो हमने ही गिरा दिया था. रोहित और मैंने टांग डाल दी थी. हम तो एक्शन वाले हैं ना. रोल कैमरा एक्शन किया फटाफटा से गिरी. कुछ कुछ होता है कि टाइम पे भी मेरे ख्याल से काजल गिर गई थी साइकिल से. एक सीन था ना उसमें. हाँ एक सीन में नहीं बेचारी जा रही थी. इनको साइकिल चलानी आती है अच्छी लेकिन उस दिन बजरी बोलते हैं ना जो स्लिप हो जाती है बजरी पे था तो ऐसा उनका पूरा हैंडल मुड़ गया और ये बेचारे मुंह के बल गिरी. तब से ऐसी दिखती है.
तो मैंने सुना यादाश्त खो गई थी इनकी थोड़ी देर के लिए। हाँ, ये उठी और सुना कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। हमने बड़ी एडवांटेज ली इस बात की। इसको कुछ याद ही नहीं है। करण ने तो इसको ना कुछ कुछ होता करे तो करण ने इसकी जो फीस थी वो भी कम करवा दी। तुम्हारे 25 रुपए ही थे इस पिक्चर में। साइन वाइन करा लिया हमने सब कॉन्ट्रैक्ट। इसको सिर्फ वेरी स्वीटली 1.5 घंटे तक इनको कुछ याद नहीं था। मुझे कुछ नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किधर हूँ, हाँ हूँ, ऐसा ऐसा कर रही थी वो। फिर इसको फोन कराया हमने बहुत स्वीटली, अजय फोन पे, तो अजय को पहचान गई फोन पे। अच्छा। हाँ, कि ये उसने बोला तो फिर थोड़ी संतुलन में आई। फिर 1.5 घंटा रूम में बैठी, बातचीत हुई, फिर ठीक ठाक हो गई, फिर वापस आ गई, फिर नॉर्मल। अच्छा। हो गई, मगर 1.5 घंटे तक बचा ली। मुझसे क्यों बात करा दी यार तुमने यार, क्या क्या अजय सर ने क्या कहा था जो आपको याद आ गया फट से? कुछ नहीं, उसकी बस आवाज ऐसी है ना अजय देवगन की, किसी को भी समझ में आ जाता है। आप ही उनको अजय देवगन बुलाती है। मुझे शोना बुला सिंघम। मुंह नोच डालूंगा तो सुनो। कितनी बार आ चुके हैं आपके शो पे? अरे सर की प्रॉब्लम भी है ना, वो सिर्फ आंखों में देख के आंखों से बात कर जाते हैं। पता भी नहीं चलता कि वो एंजॉय कर रहे हैं इस बात को, गुस्सा कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रहे हैं। आपने कभी उनको सोना नहीं पड़ने की कोशिश की? ट्राई करो अगले शो में तो ट्राई करो। अरे हमारी तो इतनी सारी सिमिलरिटीज है, हम लोग एक शहर से एक ही दिन बर्थडे शेयर करते हैं हम लोग 2nd of April को। या ताली नहीं बजा रहा कोई? ये पर ये सच्ची बात है, पता नहीं ये ताली वाली बात तो नहीं, पर है। तो मैं मेरे को ऐसे पता क्या लगता था, जब हम लोग पहली बार फिल्म देखी थी ना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो मेरी मम्मी तो यही मानती थी मियां बीवी हैं। और ऐसे लगता है, कई लोगों को लगने लगता है। नहीं नहीं, बचपन में मुझे भी ऐसे लगता था। I thought you were married at that time till I met गौरी मैम obviously। मैं वो NBA का हम लोग चंदा इकट्ठा करने जाते थे स्कूल से, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन। तो मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, बोला था किसी ने शाहरुख खान का घर है ये, तो मैं चला गया। मेरे को बड़े पैसे मिलेंगे, शाहरुख खान का घर है। तो दोस्तों के साथ गया था, गौरी मैम ने दरवाजे खोला तो मुझे कुछ गलत लगा उसको। तुम कौन हो? क्या कर रही हो तुम काजोल के घर में? क्या कर रही हो? आई थॉट फॉर अ सेकंड। फिर मैं घर जाके पूछा, देन माय मॉम टोल्ड मी दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज रियल लाइफ, दैट इज रियल लाइफ। नहीं ये तो फिर भी चलो होता है ऐसे। मम्मी शाहरुख बड़ा फ्लर्ट है। पर शाहरुख भाई ने ना लड़कियों को बिगाड़ दिया है, पूरे तमाम देश की लड़कियों को बिगाड़ दिया है। सबको लगता है कि सब ना अपने आप अपने बॉयफ्रेंड में शाहरुख खान देखती है। बाद में शादी दुनी चंद से करी होती है, मेरे को पता है। क्या होता क्या है, ये एक गाने में के 3-4 मिनट के गाने में कभी तो वाटरफॉल पे, कभी कोई स्नो लेक में, कभी पता नहीं कहां कहां ले जाते हैं अपनी हीरोइन को। हम लोग मिलते हैं गरीब आदमी, कोई मिला कोई फास्ट फूड के कॉर्नर में बैठ गए, 20 रुपए के नूडल खाए, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, 30 रुपए में हमारा काम खत्म। आपके चक्कर में लड़कियां ना वो यही हमसे भी एक्सपेक्ट करती हैं। ये आइडिया कहां कहां से आते हैं भाई? अब लड़कियों के लिए यार प्यार ही बहुत है, नूडल वूडल की भी जरूरत नहीं पड़ती, दिल से करो ना तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे को एक लड़की ने ना, मैं सच्ची बात है, मैं ऐसे कॉलेज में पैसे मेरी बाकी सब झूठ था। नहीं नहीं ऐसे मैं फ्रेंड बन गई ऐसी, तो मेरे स्कूटर का ना प्लग तो वो स्पार्क करता था, तो ना पटक 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 आवाज नहीं हो जाती। तो मैं गया तो मुझे कहती तुम्हारे स्कूटर में से आवाज आ रही है पटक पटक पटक। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, वो भी लड़कों वाला स्कूटर चलाती थी बजाज चेतक, उसके पास भी स्कूटर था। 2 मिनट जूस पीने बैठे, मैं 5 मिनट बैठे, मैं उसका प्लग चेंज करके अपने स्कूटर में डाला। फिर जब जाने लगी तो उसके स्कूटर में से प्रैक पट पट, मैं कहा देखो ये मशीनरी है, इसका कोई भरोसा नहीं, किसी के भी आ सकती है। मैंने कभी लड़कियां तुझ पे इतना मरती हैं मेरी इन्हीं हरकतों पर। लड़कियों के स्पार्क प्लग चेंज कर रहा है तू स्कूटर में, क्या शर्म नहीं आ रही तेरे को?
कोई बात नहीं, कभी-कभी हो जाता है। दादी क्या बनके घूम रही तू? मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मसाज का। बड़ा मस्त बिजनेस है शाहरुख जी। लोगों को तेल लगाओ और उनसे ही पैसे लो। कब से खोले तूने ये बिजनेस? तब से क्या, अरे नए नए तरीके सीखे आई हूँ मसाज के, बैंकॉक से। ओ बैंकॉक? बैंकॉक से। तो कभी घाटकों पर गई नहीं? बैंकॉक कभी चलेगी तू? पूरी बात सुनेगा तू? बैंकॉक मसाज पार्लर डोंबिवली, वहां से सीख कर आ रही हूँ। सबसे पहले तो क्या है ना, आप लोग सेलिब्रिटी है, है ना काजोल मेरी बच्ची? कोशिश तो वही है। चल झूठी। मैं सब के सब सेलिब्रिटी है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल मसाज है। पहले डेमो बताती हूँ। आप लोग पूरी दिन शूटिंग करते हो, थक जाते हो, रात को प्रमोशन के लिए निकलते हो, बदन टूट सा जाता है, ऐसे दिल अंगड़ाई लेने का दिल करता है। घर जाके किसी से किसी तरह से आप लोग फ्रेश हो ही जाते हो। लेकिन कभी तशरीफ के बारे में सोचा है? कभी? ये वो पोर्शन होता है जिसकी वजह से आपके सोफे में थोड़ा छेद पड़ जाता है। I'll give you life, डिक्की। ओके, तशरीफ। तशरीफ। तशरीफ के बारे में सोचा है शाहरुख? नहीं ना, एक ही बंदे ने सोचा है, एक ही बंदा सोचा है, पता है कौन? कौन? आईमा, उईमा, उईमा, अपना आमिर। हाँ, इसलिए आमिर मसाज। इसको करने के बाद डांस शो, म्यूजिकल शो, कॉमेडी शो, हॉरर शो, कहीं भी जाओ, है कि नहीं? और बड़ा सस्ता सुंदर टिकाऊ मसाज है। इसको आप कहीं भी कर सकते हो। इसको करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। आपका दोनों चपर 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 चपर। And it is all free. I tell you. मेरा लास्ट मसाज, उस मसाज का डिमांड सबसे ज्यादा है सिद्धू जी। अच्छा, उसके लिए मैं मेरे बादशाह को बुलाऊंगी। मैं आपको दिल वाले डॉली मसाज दूंगी। बिल्कुल घबराना मत, ये सीट उल्लासनगर में बना के लाई हूं। ओके, रिलैक्स रिलैक्स बादशाह, रिलैक्स, सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर। हाथ ऐसे बादशाह, बादशाह समझो, अगला 15 मिनट ऐसा मनोरंजन तुम्हारा कभी नहीं हुआ। इसको पकड़ते रहना, जैसे जैसे मसाज होता रहे, हाँ, इसको घुमाते रहना। ओके, ओके, लाइट्स। बिपाशा मसाज नहीं दे रही है।
इधर ही करेगा? यही करूंगा, सब कुछ यही करूंगा. इनको लेके जाओ यार. अभी आप सबने देखा कि मेरी दादी शाहरुख भाई को तंग कर रही थी, उन्होंने कोई तो नस दबाई, पता नहीं, आई डोंट नो. भाई थोड़ी देर पहले ना कृति भी कहीं पर तो कह रही थी कि शाहरुख जो है आपको सेकंड्स में कंफर्टेबल फील कराते हैं. ऐसी कौन सी नस दबाते हैं आप? एकदम से कंफर्टेबल कैसे हो जाते हैं? मतलब बेटा ये 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये एक सेकंड में नहीं आता है. और मैं तेरे को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर तेरे को बता दिया हर कोई शाहरुख खान बन जाएगा. मतलब ये सीक्रेट रहेगा. कहते लड़का जब किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में देखता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है. लेकिन कृति आपके बारे में सुनना कि आप जब काजल की आंखों में देखती थी आप अपने डायलॉग भूल जाती थी. ये सही बात है? मैं चुप हो जाती थी, मेरी बस बोलती बंद हो जाती थी. क्यों? मैं डायलॉग्स बोलती थी. ये कर लेना आप लोग को जो करना. तेरा जो मेरा बिठाने का चक्कर है ना, एकदम बीच में ना दरार सी लगता हूँ हमेशा. पहले इन दोनों के बीच में तुम इधर आ जाओ यार साथ में यार. मैंने रिश्ता लेकर आया हूँ. अब कर ले बात. सॉरी. तो मतलब कुछ आंखों में देख के अभी बोल के देखिए. अभी तो नहीं बोलती ना. अभी बिल्कुल नहीं. मैं आपकी आंखों में देख के कुछ कहना चाहता हूँ. बोलो जल्दी से. ऐसे मत करो यार. सिंघम. हेलो. सिंघम याद आता है, मैं आगे गाना भूल जाता हूँ. ठीक है, हमारा तो भूलना बनता है, आपका नहीं बनता है. हमें सिंघम से डर लगता है. बट anyway, आज तक ये गाना नहीं समझ आया कि कौन सी लड़की देखी जिसकी आंखें गुलाबी होती है. सोचो सच्ची में गुलाबी आंखें होती. गुलाबी आंखें वाले कितना डर लग जाए उससे ना. बड़े ऐसे गाने भाई आप देख लो. जैसे इमेजिन की जैसे ना आंखें इस कलर की, जैसे इसके होंठ है ऐसी आंखें. और आपको बताऊं हमारा सबसे जो फेमस गाना है, इसकी आंखों का रंग देखो जरा. कुछ जो भी रंग है, लेमन है, पीला है, नीला है, जो भी इसका रंग है. लेकिन गुलाबी भी हो सकता है. गुलाबी भी हो सकता है, लेकिन किसी एंगल से ये. और पूरा गाना हमने इसके लिए गाया. आपने पूरी कन्विक्शन के साथ पूरी कन्विक्शन पूरा ऐसा मैंने छोड़ा ही नहीं. शाहरुख भाई ने अभी भी ना काली काली आंखें गाने का जिक्र किया ना. एक एक्टर दुनिया में आए, पहले आ गए थे, और ये गाने की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आए. मेरे बड़े अच्छे दोस्त है और बड़े ही क्यूट है, और वो 3-4 बार एंट्री लेने की कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं. तो फाइनली मैं उनको बुलाना चाहता हूं. प्लीज 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 वेलकम द वेरी क्यूट एक्टर मिस्टर वरुण शर्मा. और साथ में मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी को जन्म दिया है. प्लीज आपकी जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर जॉनी लीवर. आप प्लीज विराजमान हो जाइए सर. वरुण मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये सारी प्लानिंग तुम्हारे दोस्त की थी. नहीं मैंने इसलिए किया था कि ये बोला था कि जब वरुण धवन यहाँ पे मौजूद है तो वरुण शर्मा क्यों आए. नहीं तुम्हारी फिल्म आई थी ना जी, तो इसने बोला था जब उसमें वरुण शर्मा है तो कपिल शर्मा की क्या जरूरत. एक रस्सी लाओ, बीन बैग ऐसे ही ले जाओ. मैं आप सबको बता दूं कि जॉनी भाई के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन जॉनी भाई को एक चीज से नफरत है, वो गाड़ी चलाने से. गाड़ी चलाने से बहुत डरता हूं, सबको पता है. गाड़ी की वजह से
मैंने कई फिल्में छोड़ दी हैं कई फिल्में छोड़ दी ड्राइविंग नहीं मैं नहीं करता मुझे नहीं आती आपको आती नहीं है बिल्कुल नहीं आती इसी फिल्म सिटी में मैं फिल्म कर रहा था कसम 87 में तो मैंने उमेश मेहरा जी से कहा डायरेक्टर हमारे तो मैंने कहा कि भाई मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती बोले आप ड्राइव करते हो जीप को आपको चलाना है और जीप के पीछे अनिल कपूर खड़े हैं तोप लेके एक तो गाड़ी चलानी पड़ी तो हां तोप वो तोप से फाइट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ कर रहे हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं सर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती कोई बात नहीं यहाँ से वहां तक चलाना है कुछ नहीं अरे फाइटर को बुलाओ कोई कौन जीप वाला बुलाओ जरा जरा जवानी को सिखा देना यार तो जो मेरे को सिखाने आया वो इतना बेजार हो गया था कहाँ यार चलो चलो अब कैसे करना है क्या वो चलो अरे एक्सीलेटर देना भाई यार मैंने जो दिया सेट वेट तोड़ के पूरा ढपाड़ ढपाड़ छिपाड़ ठक टूक ठीक टूक पूरा सामान इधर उधर तीन आदमी गाड़ी के नीचे ही हूँ और उनकी मुंडी मुझे दिख रही है और मैं उनको देख रहा हूँ गाड़ी कैसे रुक गई मुझे नहीं पता मुझे पता नहीं ब्रेक किधर है मैं उतर के आया तीनों को बाहर निकाला कुछ नहीं हुआ भाई द ग्रेस ऑफ गॉड तीनों को कुछ नहीं हुआ तीनों को बाहर निकाला देखा तो तोप जो थी ना तो वो कहीं जाके अटक गई थी वो सट पे गाड़ी खुद रुक गई मैं कुछ नहीं कर तो फिर बाद में अनिल सर का क्या हुआ जो तोप लेके खड़े थे नहीं अनिल सर मैंने वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना उसके बाद अनिल सर ने देखने के बाद उमेश डुप्लीकेट को बिठाना पड़ा घुंघरू बाल लगा के घुंघरू बाल लगा के हमारी इंडस्ट्री में जब भी कोई हीरोइन इंट्रोड्यूस होती है सबकी ख्वाहिश होती है कि हमें शाहरुख के साथ कोई रोमांटिक फिल्म करनी है कृति आपने शाहरुख सर के साथ फिल्म भी करी लेकिन रोमांस फिर भी काजोल कर रही है आप रोमांस वरुण के साथ कर रही है लेकिन हमारे शो में ऐसा दीन दुखियों को मौका दिया जाता है दीन दुखी आज कृति देखो पूरी फिल्म में आप वरुण के साथ रोमांस कर रही है वरुण जो है वो मन ही मन काजल को बहुत लाइक करता है तो आज हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं आज स्वप होएगा आज तो हो ही जाए कृति जो है वो शाहरुख सर के साथ यहाँ पे आपको रोमांस करती हुई दिखेंगी और वरुण जो है वो काजल के साथ वरुण इतना चालू है ना जहाँ पे आप अभी शुरू होने वाले थे ना इसने तब तक कमर पे हाथ डाल दिया था और ये है जवान लोग जल्दी आते हैं जल्दी जाते हैं नहीं नहीं हम लोग टिके रहते हैं क्रीज पे बाजू कपिल भाई गलत बात आराम आराम से आते हैं और जाते ही ओपनी फरमाइश जी भाई गलत बात है वैसे नहीं सही तो है नहीं गलत बात है मतलब यहाँ पे सबको रोमांस करने का मौका मिला आपको भी किस किस को प्यार करूं मैं चार चार लड़कियां मतलब मैं दुनिया में क्या बर्गर खाने आया हूं
जैसे मैंने पहले कहा कि दीन दुखियों की मुरादें पूरी करी जाती है, शाहरुख भाई, वरुण आप अभी प्लीज, ओके, काजल मैम आप इस तरफ आ जाइए, okay. देखो कहते हैं ना कि भगवान जिसको देर बाद देता है उसको ज्यादा भर के देता है, तुम्हें भाई दो दो के साथ करने का मौका मिल रहा है, रेडी, चलिए थोड़ा म्यूजिक दे दो यार. Oh my God. अच्छा दो भेड़ियों को जंगल में पनीर का टुकड़ा मिला, उन्होंने नोच नोच के क्या हाल कर दिया, अभी और कर रहा ना भाई? नहीं भाई हो गया. देख तुझे अभी छह महीने से लग रहा है ना कि मेरा रोमांस नहीं हो रहा, इनको सत्तर सत्तर साल से नहीं हुआ. देख कितनी भरी पड़ी हमारी हीरोइन. तो बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्ते 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 नमस्ते. कैसे आप? वैसे भाई ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं, जाइए. देखिए मेरी फेवरेट फिल्म मैं आपको बता रही हूँ रही है आपकी बाजीगर. अब उसमें देखिए आप भी से आप भी से और आप लोग तो दुनिया में भी से कि नहीं वो तो ठीक है होता रहेगा, लेकिन मेरा फेवरेट गाना रहा है वो ब्लैक ब्लैक आईज वाला. ब्लैक ब्लैक आईज तो एक अगर उस पर जो डांस है आप और काजल जब डांस कर रहे थे ना, कमाल का, मतलब एक आदमी चला जाता है उस जोन में, और सच्ची में लग रहा था हिरनी जैसी चाल, इसे लग रहा था भालू शराब पी के पागल हो गया. जाओ आंटी जाओ, वो कहाँ आ गई? चल 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 चल. तो बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. यो ब्रो 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 प्लीज आप हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी तो कश्ती नहीं डूबे, पानी भी बहुत था और मुझे तैरना भी आता था, इसलिए बच गया.
चलो सपना यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो मामा ठाकुर जी लोग हमें मार डाले। चलो सपना। ससुर जी। हाँ जी। अबे नई दिलवाले की प्रमोशन कर रहे हैं वो, ऑलरेडी रिलीज हो चुकी, पुरानी दिलवाले की बात क्यों कर रहे हैं आप? नई दिलवाले की टिकटें कहाँ मिल रही है, इसलिए पुरानी दिलवाले की कर रहे हैं भाई। भाई आप आए क्यों हैं यहाँ पे? अरे वो तो मैं शाहरुख खान आए हैं यहाँ पे उनसे मिलने लिया है। है ना जी? है। अभी अभी जाओ आप, क्या आपको काजल से मिलना है? अरे हाँ इनसे भी मिलना है। क्यों क्यों मिलना है? अरे बस मिलना ही तो है। भाई जब मिल बैठेंगे दो एक्टर तो चार पांच प्लेटिनम जूबली फिल्में बना लेंगे। अरे देखिए अगर आपको काजोल मैम के साथ फिल्म करनी ना तो कोई स्टंट वन करना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी फिल्म बनती है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, आ जाओ। एक लात पे खड़े हो जाओ ऐसे, वन लेग ऐसे। कुत्ते तो नहीं लगूंगा ना? नहीं नहीं। चलो मैं यहाँ पे आके एक लात पे खड़ा हो जाएगा। हाँ एक लात पे ऐसे। यार कुत्ता लगूंगा यार? नहीं लगूंगा। नहीं करूंगा मैं बुजुर्गों के साथ नहीं करता। आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, शर्माओ मत। आज कुत्ता लगा। अरे नहीं देखो ससुर जी, काजल और शाहरुख सर की जोड़ी रोमांटिक जोड़ी, आपको रोमांस में आता नहीं है, मुंह उठा के आ गए आप। 18 बच्चे हैं तो हम नहीं रोमांटिक हो गए तो आपके बालों में बम चला किसी ने क्या? बदतमीज आदमी।
टूटी है, जोरदार तालियां हो रहे हैं। और ये पागल सुनील ग्रोवर के लिए भी जोरदार तालियां आ जाए। आज तक मेरे को लगता है इवन यू हैव नॉट डन लाइक दिस, डन एनीथिंग लाइक दिस, नो रोमांस लाइक दिस। मतलब ऐसे मुझे ऐसे बोल रही, इवन यू मतलब ऐसी हरकतें मैं करता रहता हूँ जैसे। इंडियन टीवी की हिस्ट्री में मैंने कभी ऐसा मोमेंट नहीं देखा है। आई थिंक आउटस्टैंडिंग। मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, हम लोग जॉनी भाई हमारे सीनियर हैं, लोग शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ और ये बोलता आऊंगा कि हम कोशिश करते हैं एंटरटेन करें, लेकिन जब हमको एंटरटेन होना होता है और जब सबसे ज्यादा मजा आता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, इन टर्म्स ऑफ जोक्स, बट जिस फैमिली के व्यवहार से आप लोग हमें यहाँ पे बुलाते हैं, सो थैंक यू कपिल भाई, एंड थैंक यू द होल टीम, थैंक यू सुधीर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं ज्यादा फिल्में बनाना मैंने इसलिए शुरू कर दिया कि प्रमोशन करो और कपिल नाइट्स पे आता रहो मैं। थैंक यू वेरी मच। So, आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें, ऐसा बिल्कुल ना करें, और देखते रहें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर रविवार रात 10 बजे ओनली ऑन। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.